हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि अगर आपके पास मटन का गोश्त है और ये कि बकरीद में तो आप जानते हैं कितना ज़्यादा हो जाता है, तो मटन का गोश्त है तो आप इसको कितनी दिन तक आप जो है आराम से फ्रीज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं या रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो ये मटन का गोश्त होता है ना, या कोई भी गोश्त अगर आपने मार्केट से भी खरीदा है और आपको इसको रेफ्रिजरेट करना है या घर में स्टोर करना है, तो एक चीज़ के लिए आप बिल्कुल श्योर होना पड़ेगा कि ये फ्रेश है कि नहीं फ्रेश है। घर में कुर्बानी होती है तो हम इस चीज़ के लिए बिल्कुल श्योर होते हैं कि ये जो गोश्त आया है हमारे पास बिल्कुल फ्रेश है। लेकिन अगर बाहर से आप परचेज करें तो भी आपके लिए आपको इसके लिए बिल्कुल श्योर होना पड़ेगा कि ये गोश्त जो आप लेकर आ रहे हैं जो बिल्कुल ही फ्रेश है, 3 से 4 घंटे के अंदर ही आपको मिल गया है। तो अगर आप इसको रेफ्रिजरेटर में फ्रीज करना चाहते हैं, रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना चाहते हैं, तो आप बामुश्किल 1 से 2 दिन आप अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको इसको लंबे वक्त के लिए स्टोर करना है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा अपना फ्रीज़र। फ्रीज़र में अगर आप इसको स्टोर करेंगे ना, तो फ्रीज़र में आप आराम से जो है 8 से 9 महीने के लिए आप स्टोर कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना होगा, इसको पहले अच्छे से वॉश करना होगा। वॉश करने के बाद इसको अच्छे से ड्रेन करने के लिए रख दीजिए, इसका पानी निकल जाए 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद आप इसको फ्रीज़ करिए। फ्रीज़ करने में आप क्या कर सकते हैं कि आप ये जो फ्रीज़र बैग वगैरह आता है, जिप लॉक बैग आता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं कि उसमें आपने रखा और अच्छे से हवा निकाल दी, आपने फिर उसको जो है अच्छे से फ्रीज़र में स्टोर कर दिया। जनरली मैं इस तरीके का बॉक्स यूज़ करती हूँ, ये देखिए। तो क्योंकि बेहतर ये होता है कि आप उतने ही बॉक्सेस रखिए जितने में आपको एक बार में यूज़ हो जाए। जैसे 1 किलो मटन है, अगर मैंने इसको एज आ पूरा ऐसे ही फ्रीज़र में रख दिया, मुझे चाहिए 1/2 kg बनाना, तो आप पूरा पूरा 1 किलो बाहर निकाल लीजिएगा, उसको थॉ करिएगा, फिर 1/2 kg अलग करिएगा, फिर 1/2 kg आप फ्रीज़ करिएगा, तो वो चीज़ें वो प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। तो आप बेहतर ये है कि आप इसको उतने ही बड़े डब्बों में स्टोर करिए, उतने ही अमाउंट में स्टोर करिए जितना आपको इसको यूज़ करना है। तो इस तरीके के जैसे डब्बे वगैरह आते हैं, ये 1/2 kg का डब्बा मेरे पास है, ऐसे 1 किलो का डब्बा आता है, आप जैसे भी चाहे आप इसको पैक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्टोर तो कर सकते हैं 8 से 9 महीने के लिए, बिल्कुल फ्रेश होता है। इवन इसका जो कहते हैं ना, फ्रेशनेस भी नहीं जाती है। तो लेकिन जो है एक चीज़ है कि आपको कोई भी चीज़ स्टोर करना हो, मैंने चिकन भी स्टोर करना बताया है आपको, या लेमन स्टोर करना बताया है मैंने, या लेमन ग्रास को स्टोर करना बताया है, ऐसे मैंने बहुत सी चीज़ें आपको बताई हैं आपके साथ, अपनी एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया। तो मैं हमेशा आपको एक चीज़ कहती हूँ कि कोई भी चीज़ अगर आप स्टोर करना चाहते हैं, तो अगर आप फ्रीज़र में स्टोर करना चाहते हैं, देखिए, तो आपको एक चीज़ के लिए बिल्कुल श्योर होना पड़ेगा कि आपके यहाँ फ्रीज़र कितनी अच्छी कूलिंग करता है। बाहर के आपके घर का, आपके फ्रिज के बाहर का मौसम कैसा है, फ्रिज के अंदर का आपका मौसम कैसा है, आपके यहाँ बहुत इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं जाती है, तो ये सारी चीज़ों को आपको जो है कंसिडर करना पड़ेगा। और अगर मैं हमेशा बताती हूँ, कोई भी चीज़ अगर आप स्टोर करते हैं ना, तो उसकी कुछ ना कुछ कंडीशन होती है। जैसे रोस्टिंग मसाले, अगर आप मसाले वगैरह स्टोर कर रहे हैं तो उसमें रोस्टिंग का कितना बड़ा हाथ होता है कि ड्राई रोस्ट क्यों करते हैं, ऐसे जो है चिकन या मटन को भी स्टोर करने में होता है। तो ये तरीका मुझे परफेक्ट लगता है, क्योंकि फ्रिज में तो 1-2 दिन है, लेकिन फ्रीज़र में कम से कम 6 महीना 8 महीना 9 महीना आप आराम से स्टोर कर सकते हैं। तो ये तरीका परफेक्ट है फ्रीज़र वाला, क्योंकि आपको पता है, आप एक तरीका और होता है कि आप थोड़ा सा बॉयल करके इसको, आप 4-5 मिनट बॉयल करके चिकन को या मटन को, लैम को आप जो है बॉयल करके निकाल लीजिए और फिर उसका पानी ड्राई करके फिर आप उसको जो स्टोर करिए, वो भी काफ़ी लंबे वक्त तक स्टोर होता है। इवन अगर आपको स्टोर नहीं भी करना है तो बस आपने जो है उबाला और फिर उबाल के जो है आपने इसको पका लिया। तो मुझे ना वो तरीका बहुत अच्छा नहीं लगता है स्टोरेज का, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि जो आपने पानी है उबाला है ना, उसको फेंक देना पड़ता है और फिर उसमें सारे इसके स्टॉक जो जूसेस वगैरह होते हैं वो सारे जो है ज़ाया हो जाते हैं। तो ये तरीका सबसे बेस्ट है कि आप सिंपली इसको जो है धोइए, धोने के बाद इसके जो है पानी को स्ट्रेन करिए, और जब पानी इसका अच्छे से ड्रेन हो जाए तो आप इसको अलग अलग बॉक्सेस बनाइए, और बॉक्सेस बना के आप इसको फ्रिज में या फिर रेफ्रिजरेटर में जितना लंबा आपको यूज़ करना है आप उस तरीके से इसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये बेस्ट तरीका है, आप इसको जो है एक बार जो है अपना के देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये टिप, छोटी सी टिप कैसी लगी। शुक्रिया दोस्तों।